हजरत बाजी बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिसे बारे शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह तज़किरतुल औलिया लिख दे कि बाजी दरम्यान मा हम तू जिब्रील दर मलाइक दो फरिश्तियां हजरत जिब्रील का दर्जा उही दर्जा संबंध वरियां बाजी का पीराने पीरों की सब बात हो बाजी बिस्तामी रहमतुल्लाह। मैं एक बड़े सूफी की बात बयान कर देता हूँ, वक्त खत्म हो रहा। ये ऐसे सूफी हैं हजरत बाजी बिस्तामी रहमतुल्लाह बिस्तामी बिस्तामी देर से पढ़ते हैं बात। तो हजरत बाजी बिस्तामी इतने बड़े वली हैं, पीराने पीर रहमतुल्लाह से पहले हुए। ये पहला तबका सूफिया का जुनैद बगदादी बाजी बिस्तामी सरी शक्ति वगैरह बहुत नेक लोग थे। मुझे अपने दो शेखैन के ऊपर फख्र है, एक शेख जुबैली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला और दूसरे मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला। लेकिन इन सबसे ऊपर अगर कोई बंदा है ना तो मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह। मौलाना इसहाक साहब जो है ना जी दलेर आदमी थे, वन मैन आर्मी थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सच्चाई बयान करने का हक अदा किया। तो मैं यानी पहला नंबर जिस बंदे को दूंगा ना वो मौलाना इसहाक साहब है। और ये मैं पहला नंबर सिर्फ मुताखरीन में नहीं दे रहा, मैं मुतकद्दमीन और मुताखरीन दोनों को जमा करके पहला नंबर मौलाना इसहाक साहब को दूंगा। अच्छा, वो तज़किरतुल औलिया में उन्होंने ये भी लिखा है कि बायज़ीद बुस्तामी के बारे में जुनैद बगदादी फरमाया करते थे कि इनका औलिया में वही मरतबा है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का फरिश्तों में है। यानी औलिया के सरदार कौन है? बायज़ीद बुस्तामी। जैसा कि फरिश्ते फरिश्तों के सरदार हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो फारिग हो गए। भाई अकबर तो दोनों ही हो सकते ना, और हकीकत यह है कि ये दोनों ही फारिग है। मौलाना इसहाक साहब की जुबान क्यामत तक यूट्यूब में जिंदा रहेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मौलाना इसहाक साहब अभी भी वीडियो लगाते हैं तो जिंदा ही है अपनी तालीमात में। ठीक है कि बाजी दरमियान मा हम तू जिब्रील दर मलाइक दो फरिश्ते हैं हजरत जिब्रील का दर्जा वही दर्जा संबंध वरियां बाजी। तो हजरत बाजी बिस्तामी इतने बड़े वली हैं, पीराने पीर रहमतुल्लाह से पहले हुए। ये पहला तबका सूफिया का जुनैद बगदादी बाजी बिस्तामी सरी शक्ति वगैरह बहुत नेक लोग थे, बहुत नेक लोग थे, बहुत नेक लोग थे। ओ जी, बोकने वाली जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह, बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह, बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह।